हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हादसे के कुख्यात गैंगस्टर विकास जयवीर आले की। दोस्तों, हाल ही में 3/8/2022 को सुबह लगभग 4 बजे विकास की कुछ अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर विकास के ऊपर तेज हथियारों से वार करके विकास जयवीर आले को मार डाला। हथियारे लगभग 4 से 5 लोग थे, उनके पास तलवार, गंडासे, चाकू, कट्टे आदि थे। यह वाक्य जब हुआ जब विकास अपने घर में चैन की नींद सोया हुआ था। अचानक 4 से 5 लोगों ने सोए हुए विकास पर तेज हथियारों से अटैक कर दिया और विकास को कुछ समझ नहीं आया। हथियारे उसे घर से बाहर निकालकर डड्डल पार्क के पास ले गए और वहां मारकर छोड़ दिया। आज विकास जयवीर आला हमारे बीच में नहीं रहा। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विकास जयवीर वाला कौन था और वो अपने नाम के पीछे जयवीर क्यों लगाता था। दोस्तों, आप यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, विकास हादसी के डड्डल पार्क के पास रहने वाला था। वह अपने नाम के पीछे जयवीर इसलिए लगाता था क्योंकि जयवीर विकास के पिताजी थे और जयवीर हांसी के बहुत अच्छे प्रसिद्ध पहलवान थे। उनकी नाम की चर्चा लगभग पूरे हरियाणा में थी। उनका एक अखाड़ा भी है जो कि हनुमान अखाड़े के नाम से है, जो कि हांसी में सिसाई पुल के पास है। विकास के पापा जयवीर के हजारों चेले हांसी के हैं और विकास को लोग उनके पापा के जयवीर के नाम से जानते हैं। जब जयवीर की मौत हुई उस समय विकास लगभग 12 साल का था। विकास के पापा को जानने वाले सारे लोग विकास को जयवीर आले बोलते थे, तो विकास ने अपने पापा के नाम को ब्रांड बनाकर अपने नाम के पीछे लगाना शुरू कर दिया और बन गया विकास जयवीर आला। दोस्तों, छोटी सी उम्र में पिताजी का साया हट जाने से विकास गलत संगत में पड़ गया। वह बदमाशी में उतर गया। विकास के ऊपर फिरौती, लूटपाट, झगड़ों के अनेकों मुकदमे लगे हुए हैं। एक बार हांसी के उमरा गेट सांझा चूल्हे के मालिक से विकास ने 10 लाख की चौथ मांगी थी, जिसके लिए विकास को जेल जाना पड़ा। इस मामले में विकास के साथ सोनू कमांडो भी था। जेल जाने के बाद वह जेल से छूटने के बाद कोई ना कोई कांड को अंजाम दे देता था। विकास हर किसी की लड़ाई में तैयार रहता था। विकास कभी डरने वाला नहीं था। महीने में 2 से 3 मुकदमे उस पर लग जाते थे। गरीबी माड़ी ना होती, हालात माड़े हो जाया करे। अरे आछे आछे साहूकार आजा रोड पे बखते इसी मार मार जाया करे। अरे प्रोटीन के डब्बे की जरूरत ना होती ठंड होने खातरे। जब घर परिवार सुखी होना है तो सुखी रोटी लाग जाए करे। दोस्तों, विकास यारों का यार था। वह अपने दोस्तों के लिए हर काम कर देता था। जो भी उसको हुक्म मिलता था वह उसको बिना सोचे समझे कर देता था। वह किसी भी प्रकार के झगड़े हो या किसी प्रकार की सहायता, वह हर चीज में सबसे आगे मिलता था। अगर कोई दोस्त उसको आधी रात को फोन कर देता था तो वह अपने दोस्तों के लिए आधी रात हो या दिन हो वह फोन करते ही हाजिर हो जाता था। दोस्तों, एक बार किसी के कहने पर विकास और उसके दोस्तों ने 1 लाख रुपए के लिए बरवाला के एक व्यापारी को गोली मार दी थी। इस हत्याकांड में विकास का नाम सामने आया। इस मामले में विकास और उसके दोस्तों को लगभग 1 साल के लिए हिसार की जेल में जाना पड़ा। जैसे जैसे विकास अपराध करने लगा वैसे वैसे उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ने लगी। विकास हर काम में माहिर था। वह पैसे कमाने के लिए, जल्दी अमीर बनने के लिए सट्टे, जुए, दारू बेचना, ऐसे बहुत सारे काम करता था और काफ़ी हद तक वह अमीर भी बन गया था। दोस्तों, आप सबको पता है कि अपराध करने वाले अधिकतर गैंगस्टर की ज़िंदगी थोड़ी होती है क्योंकि उनके दुश्मन बहुत हो जाते हैं। कभी ना कभी वे सामने वाले गैंगस्टरों के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, विकास की 2 लड़कियां और उनकी पत्नी भी है और वो उनको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी से अलविदा कह चुका है। दोस्तों, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगा दे और वो जहाँ भी रहे सुखी रहे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आप किसी और की बायोग्राफी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर कमेंट करके उस इंसान का नाम लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।